राजस्थान के बूंदी में सड़क नहीं बनने से खफा लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया और गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया। और गांव के बीचों बीच बहती नालियों के सामने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया और चुनाव में वोट नहीं डालने की घोषणा की। इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गांव में जल्द सड़क बनाने की मांग की। अब हमारा अगर रोड नहीं बनता है तो रोड नहीं तो वोट भी नहीं, रोड अगर बनेगा नहीं तो यहाँ की पंचायत का जो बूथ है वो बिल्कुल खाली रहेगा, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। आरोप है कि गांव में 60 लाख रुपए की कीमत से 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था लेकिन ठेकेदार ने सड़क बनाने की जगह सिर्फ साइन बोर्ड लगा दिया। हालांकि प्रशासन गांव में जल्द ही सड़क बनाने का दावा कर रहा है। बोर्ड लगाने के बाद में उसने ठेकेदार ने वहाँ पर जो सफाई वगैरह करके कार्य तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब बजट की उपलब्धता उन कारणों से ये कार्य की प्रगति नहीं बन पा रही। उधर सड़क नहीं बनने से गांव के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गंगा पर सबके अधिकार की बात कही। लेकिन उमा भारती ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनके पति के ऊपर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार के अभी केस चल रहे हैं और बात तो वो है जिसका जवाब देश की जनता को देना है, जो मिसेज वाड्रा को भी देना है, सोनिया जी को भी देना है और राहुल जी को भी देना है। इसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रियंका गांधी को बड़ा नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री रही हूँ मैं, केंद्र मंत्री रही हूँ मैं, अपनी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हूँ मैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, वो इस देश की वरिष्ठ नेता में अभी नहीं है। मीडिया में चर्चा का विषय में बड़ी होंगी लेकिन पद और हैसियत में मैं बड़ी हूँ। लगे हाथ उमा भारती ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले पीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान शशिकांत तिवारी के शहीद होने की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शहीद शशिकांत तिवारी यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे और सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। जिनके शहीद होने की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बेहाल है तो वहीं बीवी और बच्चे बेसुध। दीदी के पास शाम को 6 बजे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से फोन आया कि आपके पति शहीद हो गए हैं नक्सली हमले में। वहीं शशिकांत तिवारी के शहीद होने की खबर फैलते ही घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। देर रात एसडीएम समेत तमाम अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए और घर वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। यहाँ का लाल शहीद हुआ है, हम लोगों को काफी हार्दिक तकलीफ है, हम लोगों को जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। शहीद शशिकांत 16 जनवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के बाद 31 जनवरी को छुट्टी खत्म कर वापस दंतेवाड़ा गए थे।